नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाड़ा हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे रचना शिक्षण। तो रचना शिक्षण की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अपन पढ़ रहे थे रचना शिक्षण की विधियां। तो चलिए देखते हैं आगे कौन सी महत्वपूर्ण विधि यहाँ पर मानी जाएगी। तो रचना शिक्षण, रचना शिक्षण में यदि अपन देखें तो आगे आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं अगली विधि। और कौन सी विधि? रूपरेखा विधि या रूपरेखा प्रणाली। कौन सी होती है रूपरेखा प्रणाली? देखिए, हर एक विधा की अपनी रूपरेखा होती है। आप कहानी लिखना चाहते हो तो कहानी अलग तरीके से लिखी जाती है, उपन्यास अलग तरीके से लिखे जाते हैं, निबंध अलग तरीके से, नाटक अलग तरीके से, एकांकी अलग और डायरी अलग। इस प्रकार से अलग अलग रूपरेखा बनाई जाती है सबकी। कोई भी विधा अपन ले सकते हैं। अब अपने को क्या करना है? अपने को उस रूपरेखा के निर्माण हेतु बालक को तैयार करना है। बालक को क्या करना है? तैयार करना है। अर्थात हमें ऐसी रूपरेखा बनानी है जिसके माध्यम से बालक को अपन उसके लिए तैयार कर सकें। अब ये जो रूपरेखा है उसके लिए बालक को यदि अपन तैयार करना चाहते हैं तो अपन करें क्या? अपन वही काम करें जो अपन जब छोटा बच्चा होता है तो उसको चलना सिखाने के लिए अपन वॉकर लेकर आते हैं ना। तो बच्चा क्या करता है? एक तो वो वॉकर दिखने में बड़ा सुंदर होता है, उसमें रंग बड़े बड़े सुंदर होते हैं। आजकल तो वो अलग अलग उसके आगे बटन से होते हैं जिनसे अलग अलग धुन भी आती है। तो वो धुन जैसे बजती है तो बालक का उत्साह बढ़ता जाता है और वह चलता जाता है और इस तरीके से बालक है वो चलना सीख जाता है। तो उसी प्रकार से जैसे अपन छोटे बच्चे को वॉकर देते हैं, उसी प्रकार से रूपरेखा निर्माण सिखाने के लिए अपने को बालक को कुछ इस प्रकार का देना होगा कि जिससे बालक उन सभी चीजों को समझ सके, उन सभी चीजों को जान सके। देखिए, यहां पर यूं कहा जा सकता है कि मान लीजिए बालक को निबंध रचना सिखानी है, निबंध की रूपरेखा सिखानी है कि भाई निबंध लिखा कैसे जाता है। तो आप क्या करेंगे? आप निबंध रूपी ग्लेशियर को पार करने के लिए उसके विभिन्न तत्वों रूपी पादुका की सहायता लेंगे। पादुका का मतलब होता है स्केटिंग जो होते हैं ना, जिनकी सहायता से ग्लेशियर यानी हिम पर बर्फ पर चला जाता है, जो होती है ना एक पतली सी पट्टी सी होती है जिसके ऊपर चढ़कर और अपन ग्लेशियर को पार करते हैं। तो उसी प्रकार से निबंध रूपी ग्लेशियर यानी निबंध रूपी बर्फ पर चलने के लिए जिस प्रकार से अपन स्केटिंग का प्रयोग करते हैं, पादुका यानी स्पेशली जो जूतों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से हमें इन विशेष तत्वों या जो स्पेशल तत्व होते हैं उनका ज्ञान बालकों को करवाना है। अब बालक को ज्ञान करवाएं कैसे? उसी प्रकार से जिस प्रकार से वॉकर देकर सहायता करते हैं। तो कैसे? अब ये वॉकर क्या होगा? अगर अपन भाषा शिक्षण सिखा रहे हैं, कोई भी विधा की रूपरेखा सिखाना चाह रहे हैं, तो वॉकर क्या होगा? वॉकर होंगे विभिन्न वाक्य। बालक के समक्ष विभिन्न वाक्य रखिए तथा बालक को स्वयं वाक्य निर्माण करने हेतु कहिए। अब जैसे ही बालक वाक्यों का निर्माण सीख जाएगा, वाक्यों का अर्थ समझने लग जाएगा, वाक्यों का प्रयोग समझने लग जाएगा, तो फिर आप बता देंगे कि भाई पहले प्रस्तावना देनी है, उसके बाद आपको ये देना है, उसके बाद ये देना है। तो वो सारी की सारी रूपरेखा को अच्छे से समझ जाएगा। तो इसलिए बालक को अपने को क्या करना है? उसका आधार, रूपरेखा का आधार क्या होता है? वाक्य। तो उस रूपरेखा प्रणाली के आधार यानी वाक्य का ज्ञान करवाना आवश्यक है। हम पहले बालक को विभिन्न प्रकार के वाक्यों का ज्ञान करवाएंगे, वाक्यों की शुद्धि अशुद्धि का ज्ञान करवाएंगे और बालक की वाक्य संबंधी शुद्धि अशुद्धि का ज्ञान करवाने के बाद हम क्या करेंगे?
हम उस रूपरेखा से संबंधित बालक को अच्छा ज्ञान देंगे। जैसे ही बालक को उस विधा से संबंधित ज्ञान देना है, उस विधा के विभिन्न तत्व, अब तत्व क्या होते हैं मैं आपको बता देती हूँ। कोई भी रचना कर लीजिए, उसके विभिन्न तत्व होते हैं। जैसे आप कहानी की रचना करना चाहते हैं तो कहानी के लिए पहले विषय वस्तु का निर्धारण किया जाता है। विषय वस्तु आप कहीं से भी ला सकते हैं, आप विषय वस्तु का चयन आर्थिक क्षेत्र से कर सकते हैं, राजनीतिक क्षेत्र से कर सकते हैं, धार्मिक क्षेत्र से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अनेक जगहों से आप रूपरेखा का निर्माण कर सकते हैं, इस प्रकार से अनेक तत्वों के माध्यम से आप उस कहानी का वर्णन कर सकते हैं। ये तत्व ही उसकी रूपरेखा होती है। यानी कहानी तैयार करने के लिए सबसे पहले अपनों ने कथा वस्तु यानी विषय का चयन कर लिया कि भी अपने को ऐतिहासिक कहानी लिखनी है, ऐतिहासिक विषय पर कहानी लिखनी है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसके बाद अपन पात्र चित्रण, पात्र एवं चरित्र चित्रण लेंगे, पात्र एवं चरित्र चित्रण के बाद भाषा शैली लेंगे। तो इस प्रकार से फिर संवाद योजना ले लेंगे उस प्रकार से, और अंत में उद्देश्य आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसके अनेक तत्व होते हैं जिनका पालन करना एक कहानीकार के लिए आवश्यक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बालक को वाक्य का ज्ञान करवाएंगे और वाक्य के बाद इन तत्वों का ज्ञान करवाएंगे, और तत्वों का ज्ञान जब करवा देंगे तो बालक अपने आप रूपरेखा का निर्माण करने लग जाएगा। ये इस विधि की प्रक्रिया है। तो देख लेते हैं एक बार और इसको। यहाँ पर अपने को इतनी सी बात समझनी है कि भाई बालक को रूपरेखा प्रणाली सिखाने के लिए, रूपरेखा का मतलब होता है किसी भी विधा का निर्माण करना या किसी भी विधा के ढांचे को जो किस प्रकार से निर्मित हुआ है उसे ही अपन रूपरेखा कह सकते हैं। और अधिक सीधी भाषा में यदि बताऊं तो देखिए, रूपरेखा कहते हैं बाह्य आवरण को। बाह्य आवरण यानी किस किस प्रकार से, अब मान लीजिए कि कहानी की रूपरेखा इस प्रकार से तैयार की जाती है कि उद्देश्य पहले नहीं रखा जाता, अंत में रखा जाता है। यदि आपने कहानी का उद्देश्य पहले ही बता दिया तो पढ़ने वाला जो पाठक है, जो सुनने वाला श्रोता है, वो आगे सुनेगा ही नहीं, क्योंकि जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वो पूरी कहानी पढ़ जाता है कि इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। अगर वही चीज पहले बता दी तो फिर वो कहानी पढ़ेगा ही नहीं। तो इसलिए रूपरेखा का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। आप पहले उद्देश्य का प्रयोग नहीं कर सकते, आप अंत में विषय वस्तु का चयन नहीं कर सकते, विषय वस्तु के आधार पर ही कहानी आगे बढ़ती है। तो इस प्रकार से इन सभी तत्वों के माध्यम से जिस जिस प्रकार से रूपरेखा चलती है, जिस जिस प्रकार से कहानी का बाह्य आवरण होता है, उसी प्रकार से लेखक को चलना होता है। तो उसी अनुसार अपने को बालक को भी इन सभी तत्वों का ज्ञान करवाना आवश्यक है। तो यहां पर अपन कौन कौन सी चीजें देख सकते हैं, अपन सबसे पहले तो इसकी प्रक्रिया देखेंगे। इसकी प्रक्रिया क्या है, सर्वप्रथम बालक को वाक्यों का ज्ञान करवाना जिसमें वाक्यों के प्रकार, अर्थ आदि को शामिल किया जाता है। तो प्रक्रिया क्या रहेगी, सबसे पहले अपन बालक को वाक्यों का ज्ञान करवाएंगे, और वाक्यों का ज्ञान करवाने में अपन वाक्यों की कौन सी चीजें, कि भी वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं, वाक्यों के कितने कितने किस किस प्रकार के अर्थ हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपन ये चीज, इस चीज का ज्ञान करवाएंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे। तो आगे अपन क्या करेंगे, तो देखिए
इसके बाद पहले वाक्यों का अर्थ, वाक्यों के प्रकार सारे के सारे बता दिए, बालक वाक्य निर्माण सीख जाएगा। तो फिर क्या करवाना है, फिर उससे स्वयं से विभिन्न वाक्यों का निर्माण करवाना है। तो तत्पश्चात बालक से वाक्यों का निर्माण करवाया जाता है, यानी उसके बाद बालक से विभिन्न वाक्य बनवाए जाते हैं, खुद से बनाने को कहा जाता है। अब पहले तो उसको वाक्यों का ज्ञान करवाया, फिर उसे जो वाक्य है वो निर्माण बताया, उसके बाद उसने स्वयं वाक्यों का निर्माण किया, उसने स्वयं व्यक्ति ने स्वयं वाक्यों को बनाना सीख लिया। अब जब वह स्वयं वाक्यों को बना रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसको वाक्यों से संबंधित तो पूरा ज्ञान हो गया, अब उसे क्या करना है, रूपरेखा का ज्ञान करवाना है। तो उसके बाद अपन क्या करेंगे, वाक्य ज्ञान के पश्चात व्यक्ति को विभिन्न विधाओं से संबंधित रचना की रूपरेखा का ज्ञान करवाया जाता है, रूपरेखा का ज्ञान करवाया जाता है। जीरो से ही उठाते हैं किसी चीज को, यदि अपन रूपरेखा सिखाने लग जाएं और बालक को वाक्यों का निर्माण आता ही नहीं हो तो वहां पर अपन असफल हो जाएंगे। तो इसलिए बालक को सबसे पहले वाक्यों का ज्ञान करवाना है, वाक्यों का निर्माण सिखाना है, और उसके बाद जब वह वाक्यों का निर्माण करना सीख जाए तब उसे उसकी संपूर्ण रूपरेखा बतानी है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं। इसके संबंध में दो चार चीजें और बच गई है तो उन चीजों को भी अपन देख लेते हैं। देखिए, प्रक्रिया पूरी होगी, यानी अपनों ने रूपरेखा का ज्ञान करवा दिया बालक को। देखिए, वाक्यों का ज्ञान जो है ना वो संबंधित विषय को विस्तार देता है। कैसे, आप रूपरेखा सिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले वाक्य का ज्ञान सिखाइए, तो वाक्य के ज्ञान से विषय शुरू हो जाएगा, शुरू होकर धीरे धीरे आगे बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। तो यहां पर अपन यही कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि भाई वाक्यों का निर्माण करते हैं तो वाक्यों के निर्माण से विषय को विस्तार मिलता है, एक तो ये चीज होगी। इसके साथ साथ अपन ये भी कह सकते हैं कि भाई चूंकि यह विधि जीरो से शुरू हो रही है, जीरो का मतलब किसी भी विधा का आधार तो वाक्य ही होते हैं, शब्दों का ज्ञान तो बालक को होता ही है थोड़ा बहुत, तो इसलिए जो आधार होता है वो वाक्य होता है, चाहे कहानी बनाइए चाहे आप निबंध बनाइए, वाक्य यदि आप जानते हैं, उनको पिरोना जानते हैं तो आप उस विधा का निर्माण करने में सक्षम हो जाएंगे। तो इसलिए यहां पर अपन क्या करेंगे कि भाई वाक्यों के निर्माण से विषय का विस्तार मिलेगा, साथ साथ अपन जीरो से शुरू कर रहे हैं, यानी आधार वाक्य है तो वाक्यों का भी ज्ञान करवा रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे अपन आगे बढ़ रहे हैं, बाद में अपन उसकी रूपरेखा बालक को समझा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि यह विधि सभी स्तरों पर लागू की जा सकती है, और सभी स्तरों पर लागू ही नहीं, सफलतापूर्वक लागू की जा सकती है, सफलतापूर्वक प्रयोग में लाई जा सकती है।
क्यों और कैसे सफलतापूर्वक क्यों और कैसे लाई जा सकती है, इसलिए क्योंकि हमने जीरो से चीज को शुरू किया। एक तो होता है लेवल, जैसे मान लीजिए कि आप कक्षा में गए हैं पांचवी कक्षा में, तो आप पांचवी के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, आप नर्सरी एलकेजी यूकेजी के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाएंगे। वहां पर पांचवी कक्षा में आप बालकों को पुस्तक पढ़ाना शुरू कर देंगे, जबकि नर्सरी एलकेजी यूकेजी में आप सिर्फ और सिर्फ बालक को वर्णों एवं शब्दों का ज्ञान करवाएंगे। तो इस प्रकार से यूं होता है कि अपन लेवल के अनुसार चलते हैं, परंतु यहाँ पर इस स्थिति में अपनों ने कोई लेवल नहीं रखा, अपन जीरो से चीज को उठा रहे हैं और आगे तक जा रहे हैं। तो इसलिए यह विधि सभी स्तरों पर सफलतापूर्वक प्रयोग में लाई जा सकती है। तो इसको भी अपन देख लेते हैं कि इस विधि को सफलतापूर्वक प्रयोग में सफलतापूर्वक सभी स्तरों पर, ये लिखेंगे अपन, तो इस विधि को सफलतापूर्वक सभी स्तरों पर प्रयोग किया जा सकता है। ये लीजिए, ये यहाँ पर महत्वपूर्ण बात होगी। तो वाक्यों के निर्माण में आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन देख लेते हैं। वाक्यों के निर्माण से विषय को विस्तार मिलता है और इस विधि को सफलतापूर्वक सभी स्तरों पर लागू किया जा सकता है। उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे। तो आगे अपन कौन सी चीज को देख सकते हैं, देख लीजिए। देखिए यहां पर, जैसे अब यहां पर अपन उदाहरण देंगे कि यह विधि, इस विधि की जो अपनों ने प्रक्रिया शुरू की है, तो इस विधि की प्रक्रिया किस प्रकार से चलती है। तो यहां पर अपन उदाहरण भी लिख लेंगे, जिस प्रकार से अपनों ने देखा कि भाई बच्चे के लिए वॉकर लाया जाता है ताकि वह चलना सीख सके, और उसे अपन ये विश्वास भी दिलाते हैं कि तू गिरेगा नहीं, तुझे चोट नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि वॉकर में वह बंधा हुआ होता है, तो एक बार बालक झिझक भी रखता है और जब वह निश्चिंत हो जाता है कि उसे किसी भी प्रकार की चोट नहीं लगेगी, तब वह उस वॉकर को लेकर दौड़ता है। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि जैसे एक बालक को चलना सिखाने के लिए वॉकर का आश्रय दिया जाता है, जिस प्रकार से वॉकर का आश्रय दिया जाता है, तथा उसे चोट न लगने का आश्वासन दिया जाता है। एक बालक को चलना सिखाने के लिए वॉकर का आश्रय दिया जाता है, यानी सहारा दिया जाता है, तथा उसे चोट न लगने का आश्वासन दिया जाता है। उसी प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन देख लेते हैं आगे क्या हो सकता है या कौन सी चीज को अपन देख सकते हैं। तो उसी प्रकार से क्या होगा, उसी प्रकार से बालक को वाक्यों के निर्माण का ज्ञान करवाकर, वाक्यों के निर्माण का ज्ञान करवाकर अपन क्या करते हैं, बालक को सहारा दिया जाता
है, बालक को सहारा दिया जाता है। तो उसी प्रकार से बालक को वाक्यों के निर्माण का ज्ञान करवाकर सहारा दिया जाता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसी के साथ रूपरेखा प्रणाली हमारी कंप्लीट होती है। और इसमें अपनों ने देखा कि भी किस प्रकार से अपन किसी भी विधा की रूपरेखा बालक को सिखा सकते हैं। तो यहाँ पर अपनों ने रूपरेखा प्रणाली जो रचना शिक्षण की विधि है उसको कंप्लीट किया है। उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे। आगे अपन किसको देखते हैं? अगली विधि को। और अगली विधि कौन सी है? अनुकरण विधि। अनुकरण विधि, अब ये जो अनुकरण विधि है वो किस प्रकार से प्रोसेस में जाती है, किस प्रकार से प्रक्रिया में जाती है, वो चीज अपन यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि अनुकरण का मतलब क्या होता है। अनु का मतलब होता है पीछे, और करण का मतलब होता है करना, यानी पीछे पीछे किसी कार्य को करना, या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि देखकर कार्य का कार्य करना। देखिए, एक छोटा बालक है, ठीक है, छोटा बालक होता है वो जन्म के, मान लीजिए कि 8-10 महीने हो गए, 8-10 महीने का बालक है, तो उसे यूं कहा जाता है कि बोल बेटा माँ, और मतलब बार बार उसे कहा जाता है तो वो अनुकरण करता है उसके पीछे पीछे, वैसा ही बोलने का प्रयास करता है और वो माँ बोलना सीख जाता है। तो उसी प्रकार से अनुकरण क्रिया, इस अनुकरण उसको कहते हैं जहां पर अपन किसी एक चीज के माध्यम से दूसरी चीजें सिखाते हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार से शिक्षण करवाया जाएगा? आप शब्द के माध्यम से, शब्द के द्वारा थोड़ा बहुत तो ज्ञान प्राप्त कर ही चुके होंगे, फिर भी मैं बता देती हूँ कि एक शुद्ध रचना है वो बालक के समक्ष रखी जाती है। शुद्ध रचना का मतलब होता है कि त्रुटि रहित एक रचना है वो बालक के समक्ष रखी जाती है। बालक के समक्ष रखी जाती है, बालक उसको ध्यान से पढ़ता है, समझता है, उस पर चिंतन करता है, मनन करता है, और फिर उसके अनुसार ही अन्य चीजें बनाने का प्रयास करता है। अन्य चीजें मतलब, अब देखिए, मान लीजिए कि आपने एक निबंध रचना को ले लिया। क्यों लिया? क्योंकि आप बालक को निबंध सिखाना चाहते हैं। अब बालक को निबंध सिखाना चाहते हैं तो इसलिए आपने एक शुद्ध यानी गलती रहित निबंध रचना को आपने ले लिया। अब गलती रहित निबंध रचना को आपने लेकर क्या किया? आपने बालक के समक्ष रख दिया। अब बालक उसको पढ़ रहा है, उसको समझ रहा है, उस पर चिंतन मनन कर रहा है, और पूर्ण चिंतन मनन के पश्चात वह इस निबंध के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेता है। और जब वह निबंध के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेता है तो वह फिर निबंध रचना सीख जाता है, निबंध की रचना करना वो सीख जाता है। इस प्रकार से यह विधि चलती है, यानी एक विधा रखी जाती है और उसका अनुकरण करवाया जाता है। आपको याद होगा, आप छोटी क्लासेस में थे तब, मान लीजिए 6 से 8 तक, तो उस समय यूं होता है कि अपने एग्जाम में निबंध आते हैं, इस विषय पर निबंध लिखिए। तो अपनी कक्षा में है वो शिक्षक क्या करते थे? यदि मैं सरपंच होता, इस प्रकार के निबंध है वो लिखवाते थे क्लास में। पहले वो खुद लिखवा देते थे एक निबंध की, यदि मैं सरपंच होता, इस शीर्षक पर निबंध लिखना है तो कैसे लिखना है। अब शिक्षक ने पूरा का पूरा निबंध लिखवा दिया। लिखवाने के बाद अगले दिन यूं कहा कि भाई इस निबंध को अच्छे से समझ के आएंगे। अब बालक अच्छे से समझ रहा है, अच्छे से चिंतन मनन करके पढ़ रहा है। उसके बाद जब वह अगले दिन विद्यालय में आएगा, तो अगले दिन विद्यालय में आने के बाद शिक्षक क्या करेगा? उसको अलग विषय दे देगा इसी प्रकार का, यदि मैं अध्यापक होता, यहां पर होता हो रहा है,
तो इस प्रकार से यह शीर्षक यहां पर दे दिया जाता है। यदि मैं सरपंच होता, निबंध शिक्षक ने करवाया है और उसके आधार पर उसका अनुकरण करते हुए और अपने को निबंध कौन सा लिखना है, विद्यार्थियों से कौन सा लिखवाना है, यदि मैं अध्यापक होता तो बात तो वही है, बस चीजें बदलेगी कि अध्यापक के जो उद्देश्य होते हैं, लक्ष्य होते हैं, जो कार्य होते हैं वो अलग होते हैं, सरपंच के अलग होते हैं, परंतु शैली तो वही रहेगी। तो इस प्रकार से इन दोनों इस शैली के आधार पर इस निबंध की रचना बालक करना सीख जाएगा और यही विधि क्या कहलाती है, अनुकरण विधि कहलाती है। किसकी? रचना शिक्षण की। तो चलिए देख लेते हैं इस विधि को भी। इस विधि में वैसे तो मैंने मोटे तौर पर सारा कुछ बता दिया है, इसको अपन अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। देखिए, इस विधि में सर्वप्रथम क्या होता है, बालक के समक्ष एक त्रुटि रहित रचना प्रस्तुत की जाती है। बालक के समक्ष त्रुटि रहित रचना प्रस्तुत कर दी जाती है। अब बालक क्या करेगा, अब बालक का काम शुरू होता है। तो बालक क्या करेगा, बालक उस रचना का अध्ययन, चिंतन, मनन करते हुए उसे पूर्ण रूप से समझने का प्रयास करता है। तो बालक उस रचना का अध्ययन, चिंतन, मनन करते हुए उसे पूर्ण रूप से समझने का प्रयास करता है। ठीक है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रयास आया है, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। आगे इसमें कौन सी चीजें हो सकती है। ठीक है, अब यहां पर बालक ने पूरा समझ लिया, पूर्ण रचना ज्ञान प्राप्त करने के बाद बालक उस आधार पर स्वयं रचना करना सीखता है। ये लीजिए, तो बालक खुद रचना करना सीख जाता है। ये तो हो गई इसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया, बालक किस प्रकार से रचना शिक्षण सीखेगा। दूसरी बात और अंतिम बात, एक प्रकार की रचना के द्वारा दूसरी प्रकार की रचना इसके अंतर्गत सिखाई जाती है। तो कैसे, अपन अभी मैंने आपको बताया था कि भाई यदि मैं सरपंच होता तो उसके आधार पर, यदि मैं अध्यापक होता या यदि मैं मुख्यमंत्री होता, राष्ट्रपति होता, प्रधानमंत्री होता, कोई भी शीर्षक देकर विद्यार्थी से निबंध लिखवाया जा सकता है। तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि जैसे एक निबंध कौन सा, यदि मैं प्रधानमंत्री होता के आधार पर दूसरा निबंध
यदि मैं सरपंच होता का लेखन या फिर अपन यूं कहेंगे कि रचना करना सिखाना, ये क्या हो गई? ये विधि हो गई अनुकरण विधि। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ये है अनुकरण विधि। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एक रचना का अनुकरण करते हुए और विद्यार्थी दूसरी रचना का ज्ञान प्राप्त कर लेगा। तो इस प्रकार से आज की क्लास में अपनों ने दो विधियों को देख लिया है, एक तो रूपरेखा प्रणाली रूपरेखा विधि और दूसरी अनुकरण विधि। उम्मीद करती हूँ कि दोनों विधियां आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अगली विधियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।